अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, की हाल चाल? उम्मीद करने सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सब नू अपने हिफ्ज़ इमान च रखे। अज माशाल्लाह संडे का दिन है, तो कुछ दोस्त काफ़ी दूर दूर कबूतर लैके आए हैं और बड़ी खुशी भी होंगी और कभी हैरत भी होंगी। माशाल्लाह जनून है कबूतरबाजी का और शौक के नाल मुहब्बत है कि लोग इन्हें सफ़र करके परिंदे लियांदे ने ताकि अच्छे परिंदे रखन और अच्छा शौक करन। तो दोस्त इन्होंने मैं यानी बड़ा एप्रीशिएट कर रहे हैं कि एड्डी दूरों परिंदे लैके आए हैं। माशाल्लाह जी अटक तो परिंदे लैके आए हैं चेक कराने वास्ते। कुछ दोस्त हो रहे हैं साढ़े करीब भी लौट तो परिंदे लैके आए, देखना से वो खैर देख लेने। बाकी जो परिंदे अटक तो आए हैं तो उन्होंने शो कराने, पहले दोस्तों का तारफ कराने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अटक से बिलाल अशरफ जी। जी क्या हाल है बिलाल साहब? ठीक ठाक है। शुक्र अल्लाह। अटक साहब माशाल्लाह। और ये लाहौर से भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ साहब। इनके कबूतर एक ही डिब्बा था वो चेक हो गया, तो ये भाई है, ये भी साथ ही आए अटक से। क्या हाल है जनाब? ये लें जी, आप थोड़ा सा आपको तकलीफ देंगे, आप कैमरा पकड़े फिर हम शौक कराते हैं थोड़ा सा। थोड़ा पास आ जाए, इतना दूर ना फिर आवाज भी नहीं आती और शौक भी थोड़ा सा ना क्लोज जितना करेंगे ना कैमरा उतना ज्यादा बेहतर होगा। अगर कहते हैं तो आपको कुछ चेयर दे देते हैं बैठने। नहीं नहीं, खड़े हो गए, खड़े हो जाए। ये मीडियम कबूतर है, मजबूत, बच्चे नहीं जाया करेगा, लेकिन बहुत लंबे उड़ने वाले भी नहीं है। ऑप्शन वाला एक बार काट देते हैं, ऑप्शन है आपके पास, रखना चाहे रख लें, ना रखेंगे तो फिर भी कोई नुकसान। लेकिन उससे बेहतर है इसके दो प्रकार से बच्चे बच्चे उड़ाने के लिए। दोस्तों के साथ साथ शौक रखे जाते हैं। ये वो तो खुद भी उड़ा है, उड़ा है आपका? ये पिंडी से मैं लेके गया था, इसका माप 215 का है, ये उसका पट्टा है, उसको भी 7-8 साल उड़ा है। ये बता रहा है मुझे कि मैं उड़ा हूँ। ये दोस्तों ये अच्छा कबूतर है, थोड़ी सी सिर्फ ब्रीक चिल्ली की माचिस के साथ लगाएं, ये अच्छा काम करेगा। वो पर खराब आ गए थे तो फिर मैं ले गया। हाँ बाद में अच्छा उड़ा जाएगी, है भी अच्छा कबूतर, अच्छा काम करेगा। ये क्लोज करेंगे, अच्छा इसमें दोस्तों का एक बार बताता हूँ, ये कोई जादूगरी नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती है पॉइंट्स जिससे बंदे को पता चल जाता है कि ये कबूतर उड़ा। मैं पहले शो भी कर चुका हूँ, अपनी वीडियो में बता भी चुका हूँ, ये कबूतर अच्छा कबूतर है, ये काम भी अच्छा करेगा। इसके ये दो पर काट दिए हमने, तीन पर उसके काटेंगे जो नस्ल बनाने वाला, जिसके आप बच्चे ये उड़ाने वाला अच्छा कबूतर है। मीडियम कैटेगरी उड़ाने वाला सादा वगैरह देखिए। खाना खाली कर दिया, छोड़
के एक पर काट दिए, दरमियाना कबूतर है, ये बच्चे नहीं जाया करेगा। इसमें पता क्या है, ज़्यादा मीडियम कबूतर आ रहे हैं, लेकिन ये आम कबूतर हैं, आम मिल जाते हैं जी जी। थोड़ा बड़ा स्पेशल अच्छा कबूतर होना चाहिए। ये कबूतर बड़ा अच्छा है, अच्छा कबूतर है, शानदार उड़ने वाला भी अच्छा है, बच्चे उड़ाने वाला भी अच्छा है, ये दोनों तरह से चलेगा। नहीं बाप ने अजमाया या नहीं अजमाया, इसके तीन पर का भी दोनों तरफ चलने वाला है। पर ये गर्मी में भी इनकार नहीं करेगा, जी होता है ना, ये गर्मी में 6 साल भी तक उड़ा है, ये गर्मी में भी इनकार करने वाला नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो अच्छा परिंदा ना, अब बड़े दोस्त कहते हैं जी ब्लड लाइन बड़ी अकाउंट करती है, ठीक है वो अपनी जगह पे है, लेकिन अब जैसे आप लेके आए हैं हमको ब्लड तो नहीं चेक कर सकते, हमने पॉइंट्स इसके देखने हैं, उसमें अगर हम 90% भी कामयाब हो जाए तो ये बड़ी कामयाबी है। अगर हम सही इसका अंदाजा कर लें 90% को भी बड़ी कामयाबी, इस कैटेगरी के कबूतर इनकार नहीं करेंगे गर्मी। तो मेरी ख्वाहिश अपनी यही होती है जाती तौर पे कि रखने तो ऐसे रखें, 10 हो 20 हो 30 हो ऐसे हो, तो उसका फायदा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा कुछ कबूतर ऐसे हैं कि दोस्तों को बताता दिनों, पिछले दिनों में 7-7 बजे बैठ रहे थे बाजियों में भी, जो वनडे वगैरह उड़ रहे थे ना, टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो कबूतर सुबह 7 बजे भी आ गए, क्योंकि वो मीडियम कैटेगरी के हैं। कुछ हमारे नुस्खा जात भी तेज है, मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कैटेगरी लगाते हैं, उसमें वो तो उड़ जाते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर तेज होता है नहीं, कंटिन्यू हो गया, बंद हो जाने से वीडियो, लेकिन चल रहा है सिलसिला। है ये मजबूत बड़ा, बच्चे नहीं लाए गए, 10 छोड़ेंगे 10 पर उड़ने वाले, इन पुलों की चौड़ाई भी बड़ी ज़्यादा है, इन पुलों की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, मजबूत बड़ा, ये खुद भी उड़ेगा तो जाएगा नहीं, नहीं उड़ेगा दरमियाना। अब आपके इलाके के और मौसम के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा उड़ जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन हमारे लाहौर में अगर ये उड़ता हो ना तो ये बिल्कुल मीडियम 9-10 बजे वाला जिसे बोलते हैं। चिल्ली इतनी चिल्ली बहुत मोटी है इनकी, पर उनकी छुड़ाइयाँ ये पर की शेप भी बता रही है, तो ये टाइम का ज़्यादा है अपना जितना मर्जी कर ली, ये खुद भी उड़ने होना इतना लंबे उड़ने वाले नहीं, जैसे टेम्परेचर आजकल जैसे चल रहा है ना, कुछ हिसाब से आप उड़ाएंगे तो ये 10-11 मुश्किल चलेंगे। अब इसकी हड्डी भी लकड़ की तरह चिल्ली भी उड़ी सकते हैं, यानी एक आध पार्ट होना तो चल जाता है, इसमें ज्यादा है, अब वो भी पार्ट जो आपको बताया था वो भी बदन में है, तिली का भी है, जिस्म भी हड्डी भी हार्ड है इसकी, तो ये टाइम ज्यादा करना चाहता हूँ। ये उड़ने उड़ाने वाले कबूतर काफी बच्चे मार ज्यादा कमजोर हो गए, मजबूत कैटेगरी में आ जाता है।
बच्चे बारिश वजह से ज्यादा वीक हो गए। लाल मोतियों वाले टाइप का कबूतर, बच्चे जाया नहीं करेगा। ये भी वीक है काफी, लेकिन हड्डी की शेप बड़ी अच्छी है इसकी। अभी इसका फासला ज्यादा कम हो गया, उस वजह से कमजोर पड़ गया, ये जब अपने जिस्म में आएगा तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। मजबूत बड़ा बड़ा वापसी वाला कबूतर, नस्ल का भी अच्छा है, लाल मोतियों वाला कबूतर ये जिसकी भी काफी होगी, ये बड़ा अच्छा है। कुछ डाल लेकिन बड़ा ही शानदार कबूतर, इसकी दुम देखो ना कैसी जबरदस्त है, दुम भी जिसम भी हड्डी भी, इसके तीन पर करते हैं ये दोनों तरफ चलने वाला है, इसके बच्चे उड़ा भी सकते हैं, उड़ाने वाले तो है ही इसमें। बच्चे भी नहीं जाया करेगा, माती को उड़ाएगा लेकिन बड़ी तेज माती मारती है, पर बड़ा अच्छा शूटिंग भी अच्छा ही अच्छा गुजर रही है, अच्छा काम कर अच्छा पर पुरजा है स्कूटर का ना, ये भी अच्छा कूटर है पर पुर इसके खराब हो गए, पर इन्हों के बड़े खराब हो गए, कोई जाली आपकी यहाँ कोई है नहीं, ये दरअसल जहाँ से आए हैं ना वो बिल्कुल नहीं मिली जी जी। अच्छा कबूतरा है ये गोल्डन ना, बड़ा शानदार कबूतर है, कबूतर है भी अच्छा, नहीं ये है भी बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका जिसम मुलायमियत हर चीज इसकी अच्छी है, बड़ा अच्छा कबूतर है।
इसका मतलब उस कैटेगरी के कबूतर रखे हैं, इससे हल्के ना रखे नहीं, जो आप तीन पर वाले होंगे तो वो इंशाल्लाह। नहीं दो पर वाले भी ठीक है, बच्चे उड़ाने वाले देखें पहले ना, हाँ ये ब्रीड बनाने वाले भी हैं उड़ाने वाले भी हैं, अच्छा कबूतर है ये गोल्डन, ये भी बड़ा अच्छा कबूतर है। देखें इसकी पर्तीली बदन बहुत अलग, आँख में नूर आ गया इसमें, ये उससे भी ज्यादा अच्छा है जो पहले गोल्डन जी जी, इसका वो गोल्ड ये मतलब ये जी नहीं ये उससे भी जो पहले गोल्डन का है ना, ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। मैं ना ये अच्छा माशाल्लाह, बेसिकली मुझे ये कलर बड़ा पसंद है पल्लों वाले ना, ये ब्लैक पल्लों वाले या ब्राउन पल्लों वाले या गोल्डन पल्लों वाले मुझे बेसिकली बड़े पसंद है, उनमें भी हल्के निकल आते हैं, लेकिन ये कबूतर बदन के लिहाज से पूरा सुपर कबूतर है। अब इसका ये चीज बड़ी अच्छी है, फासला इसका बड़ा अच्छा है, हड्डी की शेप बड़ी अच्छी है, मुलायम भी है, हर कैटेगरी में अच्छा कबूतर है। जो भी इस कैटेगरी का होगा वो 12-14 घंटे वाला ही होगा जी जी बिल्कुल। ये खुद ये जो नीचे वाला है इनके बहन भाई मैंने इनको बढ़ाए, इसके तीन पर काटे हैं कबूतर के, इन कबूतरों को बढ़ाए ये आपके काम आएंगे, ये बहुत सुपर कबूतर है। ये भी उड़ने वाला अच्छा है, एज भी इसकी काफी है कबूतर की, उड़ने वाला ठीक है, जोड़ने वाला नहीं है। नहीं नहीं ये भी बड़ा शानदार कबूतर है, जैसे ये आपने गोल्डन कबूतर, वालेकुम अस्सलाम और जी जय साहब की हाल है, आइए आइए। तो सलाम दो दिनों ना साहब मुजाहिद जट साहब ने, वाले की हाल है जी, ठीक है सब खैर। ये कबूतर अच्छा है, अच्छी कैटेगरी का, जैसे आपके गोल्डन कबूतर अच्छे हैं ना, ये बड़ा अच्छा कबूतर है, अच्छे बच्चे भी उड़ाएगा ये, लेकिन इसकी पर्तीली बदन सब अच्छा है, बेहतरीन कबूतर है इस लेवल के, कम से कम इस लेवल के कबूतर होने चाहिए। देखें इसके भी तीन पर करते हैं, तो दो नर पहले छोड़े हमने शहर में, तीन कोई हल्का है दो तो अच्छे के लिए तीन अच्छे लगता है पुराना, ये कबूतर भी अच्छा है, वो तो डालता ही है यहाँ वो जो इसके आँख में नूर है ना वो सबसे अच्छा गया लाल, बच्चे उड़ाने वाला ठीक है, दो पर इसके काट दिए, ये भी अच्छा कबूतर है जी, बच्चे उड़ रहे हैं इसके, ये है भी बड़ा सुपर कबूतर, जैसे आपके गोल्डन कबूतर है उसी कैटेगरी का, बड़ा रेशम मुलायम है, अब ये देखिए बिल्कुल आपको इसकी हड्डी नहीं चुभेगी ना सहद लगेगी, हर चीज इसमें अच्छी है, इसके भी तीन पर कर बस मादी थोड़ी सी स्मार्ट लगाई है, पाँच छह बजे तक गए बहुत अच्छा है, ज्यादा बेहतर आने शुरू हो गए हैं कबूतर, ये भी ठीक है जोड़ों में भी चल जाए, उड़ने वाला भी ठीक है ये कबूतर, लेकिन उड़ाने तो ज्यादा बेहतर है जोड़ों के नीचे, लेकिन उड़ने वाला बड़ा अच्छा कबूतर है, नहीं फोन कर लो आइएगा, कबूतर अच्छा है, शाम तक उड़ने वाला है, जोड़ों में भी चल जाएगा, उड़ा या कहीं से आया जी, उड़ा हुआ वो तो बड़ा अच्छा है, ये शाम तक उड़ भी सकता है और बच्चे भी उड़ाने वाला ठीक है, ये काफी कबूतरों से बेहतर है, बनाते हैं वैसे सही बनती है वीडियो, हाँ बस सही है जी पढ़ाई।
बड़ा अच्छा कबूतर, पर उनका कोई चक्कर नहीं। हाथ में जब कबूतर का जिसम आता है ना, पांच वाला। अब ये देखिए, मैंने एक चीज आपको बताई थी, इसका जिसम देखे आप पकड़ के, जिसम मुलायम है बिल्कुल, कहीं से भी इसकी ना हड्डी चुभ रही है ना सहद है। तो ये कबूतर इनकार नहीं करते, उड़ते ही उड़ते, खुद भी उड़ते और बच्चे भी शाम तक उड़ाते हैं। जो खुद अच्छा उड़ते हैं वही बच्चे उड़ाते हैं। ये खुद भी माशाल्लाह, ये हमारे पास आया था, पकड़ा था, लेकिन तीसरे दिन ही शाम जाके फिरा। बड़ा अच्छा कबूतर है। ये भी अच्छा है, लेकिन ये उड़ा लें ज्यादा बेहतर है। पता क्या चीज है, जोड़ों में ना मेरी एक अपनी सोच है, बहुत सुपर कबूतर होना चाहिए। जी, आउट क्लास कबूतर। बच्चे बड़ी मेहनत से पलते हैं, अब बच्चे पलने के बाद उड़े ना ना बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल। अब ये भी ना चार माह बाद मजबूत है, इतना अच्छा नहीं है, उड़ने वाला है। और मेरे साथ एक बड़ी बात कहते थे कि यार चले जाना कबूतर का ना, मतलब उड़ने वाला ये कबूतर, ऐब नहीं होता, जाना इनका काम है। लेकिन खिलाड़ी आदमी को उधर ठप्पा नहीं निकलना चाहिए, उड़ने वाला ये बहुत अच्छा, इसको छोड़ लीजिए, उड़ाने के लिए अच्छा उड़ जाए। कल ही गया हमारे पास। अच्छा, वह इसको उड़ा लीजिएगा। ये हार्ड आया, अब ये पहले दो दिन सियालकोट ही पास हुए हैं, लेकिन ये उन्होंने हार्ड आया, ये इतना अच्छा नहीं आया, काफी सफर हुई। तो साजी की बात कर रहे थे, वो कहते थे कि यार चले जाना कोई मसला नहीं, खिलाड़ी आदमी का कबूतर ठप्पा नहीं निकलना चाहिए, बेशक चला जाए। इसलिए मैं ज्यादा पसंद करता हूँ तेज पर के कबूतर, मुलायम जिस्म के कबूतर, तो उनमें ज्यादातर मोस्टली अच्छे निकलते हैं। आज जाना इनका काम है। तो ना सहद, ये देखे ना, अब इसका कुंदा भी सहद है, जिस्म का भी नीचे से टाइट है। ये कबूतर अच्छा है, बहुत अच्छा है बोलूंगा। ये मियांवाली स्टाइल, क्या कहते हैं, ननकाना स्टाइल, क्या या मियांवाली, क्या पिघला वाला, बोला अच्छा कबूतर है। लेकिन इसका आपने रिजल्ट दिया या नहीं, अच्छे बच्चे उड़ाएगा इसको, लगाइएगा जोड़े, अच्छे बच्चे उड़ाएगा। ये भी अच्छा कबूतर है, बहुत अच्छा काले मुंह वाला कबूतर है, साल का अच्छा कबूतर है, और अच्छे बच्चे भी उड़ाएगा। ये रिजल्ट है भी अच्छा कबूतर, और कम से कम इस कैटेगरी के कबूतर देखते हैं। तो भी इसको उड़ा लें कबूतर को ना, ये भी अच्छा कबूतर है। पर भी अच्छा उसका है, बोलेंगे हाँ, वो भी सही था, उसका भाई आके गया है। अच्छा, ये भी अच्छा कबूतर है, शानदार कबूतर है। कबूतर माशाल्लाह, ये वाद वाले ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। जी जी माशाल्लाह, ये रिजल्टेड है बहुत। नहीं नहीं है ये अच्छे, पता क्या है, अच्छे कबूतर ना ऐसे नहीं मिल जाते। इसका बच्चा टेढ़ी माटी के साथ पांच करेगा। मदर भाई जुनसरा ना, बड़ा जुनसरा, बहुत अच्छा है। जो ज्यादा खराब कबूतर है ना उनका तो फायदा ही नहीं, जो बेहतर कबूतर अच्छे कबूतर है उनको रखना चाहिए। इसको भी उड़ा लें, ये गर गया कबूतर, उसी का भाई है नजीर, ये उससे हल्का निकला, बल्कि दो भाई पास हुए, ये उनसे हल्का निकला हुआ, इतना अच्छा नहीं निकला।
वो कबूतर कड़ी रती कड़ी चेक कराओ है गया है रती कड़ी रही तो लाजमी चेक करा है और हाँ ये ला अच्छा इसको बाहर रखने नहीं ये खाली खाने हैं। हाँ हाँ ये तो है वो इधर छोड़ लेंगे सही है इसको भी डालेंगे चलिए बाकी 200 कुछ और मेहमान भी आ रहे ने ते आज सारा दिन संडे वे ही सिलसिला सुबह तो चलता रहना शाम तक अपने परिंदे का तुम शो करा इंशाल्लाह काफी दिन हो गए ने टाइम नहीं मिले कोशिश यही होंगी कि अच्छे तो अच्छे बंदे के बारे दसीए भी दोस्तों को गाह करिए क्योंकि मेरी अपनी तबीयत ऐसी कि मेरे को कोशिश होंगी कि छुपावा ना कोई चीज़ बाकी हर इंसान ने जिनी स्ट्रगल करनी है कोशिश करनी है उन्हें सीखना है जिस बंद सीखने का शौक हो सीख भी लेंदा है कई लोग बस तनकीद करते रहते हैं इंशाल्लाह यह बहुत अच्छी है पिछले मेरे को ना गुजरात तो दो स्कूटर लै गया ऐसा ना दो तीन दिन पहले फिर लाइव वीडियो नहीं चला सके कुछ कबूतर एक्सपायर भी हो डब्बे शुरुआत सही तरीके से हालांकि मैं एक पूरी वीडियो बनाई थी कि डब्बे जो भी लैके आने ने शुरुआत तरीके सही तरीके करने ने ते गर्मी के वजह मसला मसाइल पैदा हो जाते हैं तो काफ़ी दोस्त सलाम कह रहे हैं सब वालेकुम सलाम बहुत शुक्रिया दोस्तों का बाकी तुम कबूतर का बाकी शौक कराने बच्चे उड़ाने वाली ठीक है गोल्डन मर्दी है लेकिन थोड़ी हार्ड है चौड़ी मर्दी है वीडियो कैटेगरी में ऊपर ला देंगे हालांकि दोस्त लेके आने ना परिंदे में बड़ा नरम हाथ रखना क्योंकि जो असी ना मैं अपने एक सोच होंगी ना इंसान की जी कहने यार दाना पाने अच्छे नहीं पाओ मेहनत करनी है टाइम देना अच्छे कबूतर नहीं दो है मर्दी अच्छी है अच्छे बच्चे उड़ा जी है वादिया मर्दी है जी इस कैटेगरी की मर्दी है जो 10-15 निकलेंगे तो अच्छा शौक हो जाएगा तीन पर नहीं आई जी अच्छी मर्दी है घट हो थोड़ा जहां मादिया नरम हाथ रखी जा थोड़ा जहां दरमियाना घेटा घेटा करी दरमियाना
ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਵੀ ਨੈੱਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ 11 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ 2 ਵਜੇ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਮਾਤੀ ਵਧੀਆ ਮਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਆਈ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਬਦਨ ਚ ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਭਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੇਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਮਿਲਿਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਫਿਸਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਦੀ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਵਧਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆਣਗੇ, ਜੈਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਸਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਧਾ ਲਓਗੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਚੁੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਜੋੜਨਾ, ਗਰਮੀ ਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੜਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਪਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਡਾਉਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਨਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਸ ਵੀ ਢੇਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੀ ਮਾਦੀ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਸੁਪਰ ਮਾਦੀ, ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਵਾਲੇ ਨਾ ਖੋਲ ਲੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਛੀ ਮਾਦੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸੋਫਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ, ਸੋਫਟ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮੀ ਚ ਉੱਡਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਸੂਰੀ ਪਰ ਪਿਓਰ ਜਲਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਕਸੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਪੁੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਰਚੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਲ ਅੱਖ ਦਾ ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਦਰਜੇ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਜੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਰਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਦਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੂਰੀ ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅੱਖ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨਾ ਕਸੂਰੀ ਟੱਚ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛੀ ਪੁੱਠੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੋ,
ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਡਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਸਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਰਹੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਸੀ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੋਟੂ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਜੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਧੀ ਚ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਬਣਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਧੀ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਇਸ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 3 ਪਰ ਕੱਟੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਅਸਲ ਨਾ 10-12 ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਸ ਮੈਂ ਮਾਧੀ ਗਈ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗੀ ਮਾਧੀ ਨਰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਰੀ ਪਲਕਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਜਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚੋਂ ਅੰਜਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਸੰਦੂਰੀ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਲਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਪਰਿੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮਾਧੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਲਾਇਮ ਮੰਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਹਿਲ ਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹਰਾਲ ਮਾਧੀ ਥੋੜੀ ਮੁਲਾਇਮ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਬੱਚੇ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਬੱਚੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਸਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 8-10 ਪਰਿੰਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਸੁਪਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ ਅੱਛੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਉਡਾਏਗਾ ਪਰ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਐਸੇ ਮਾਤੀ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੜਾਏ ਗਏ ਉੜਦੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੋਨੋਂ ਗਈ ਹੈ ਕੈਡੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰ ਮਾਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖੁਦ ਉੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰ ਕੱਟੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਨੱਕ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਦੀ ਆਈ ਜੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦੋ ਮਾਦੀ ਆਈਆਂ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੈਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਹਿਲੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ ਇਨਕੋ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ